हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है तारीख दोस्तों 29 अप्रैल 2023। दोस्तों 29 अप्रैल 2023 की दोस्तों डेली कंटेंट्स की बात करेंगे। अभी शाम के हो रहे हैं 6:15। और दोस्तों आज हमारा टाइटल फटाफट रिवीजन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स रहती है दोस्तों डेली आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ, अगर आप लोग नहीं देखते हो तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पूरे दिन की जो खबरें रहती हैं वही सामने आपके सामने पेश की जाती है, ठीक है। पहले करंट अफेयर्स पर दोस्तों बात करते हैं। पहले करंट अफेयर्स हमारी क्या कहती है, पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है। कौन सा दोस्तों? नैनो डैप दोस्तों लॉन्च किया हुआ है। किसने किया हुआ है? अमित शाह ने। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा दोस्तों दुनिया का पहला नैनो डैप अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे आप लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाली वीडियोस का आप लोग नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के हमारे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एआर एम्बुलेंस, कौन सी दोस्तों? एआर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कौन सी दोस्तों? एआर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया तो झारखंड राज्य के द्वारा। कहां पे? झारखंड राज्य के द्वारा दोस्तों हाल ही में एयर एम्बुलेंस की दोस्तों शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? झारखंड राज्य के द्वारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक, कौन सी कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि शेखर वेम्पत्ति द्वारा। किसके द्वारा? शशि शेखर वेम्पत्ति के द्वारा दोस्तों कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? शशि शेखर वेम्पत्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प, कौन दोस्तों? रिचर्ड शार्प ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो बीबीसी। किस कंपनी के थे? बीबीसी कंपनी के दोस्तों चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023, कौन सा दोस्तों? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? दोस्तों आलिया भट्ट को। किस दोस्तों? आलिया भट्ट को दोस्तों हाल ही में फिल्म फेयर 2023, कौन सा फिल्म फेयर? 2023 फिल्म फेयर का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। किसको? आलिया भट्ट को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस आईआईटी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। किसने दोस्तों? आईआईटी कानपुर ने दोस्तों हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। कौन सा? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023, कौन सा हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहां शुरू किया गया? तो गोवा में। कहां पे दोस्तों? गोवा में दोस्तों हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में 12,000, कितना? 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। कौन बने दोस्तों? बाबर आजम हाल ही में दोस्तों 12,000, कितना दोस्तों? 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं बेस्ट से बेस्ट दोस्तों करंट अफेयर्स लाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन, किस दोस्तों? एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली में होगी। कहां पे? नई दिल्ली में दोस्तों एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माउंट अन्नपूर्णा, कौन सा दोस्तों? माउंट अन्नपूर्णा जो पर्वत पर है उस पर चढ़ने वाले हाल ही में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। कौन बने हैं दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है एग्जाम में, अर्जुन वाजपेयी दोस्तों। अर्जुन वाजपेयी दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हाल ही में बने हुए हैं। कौन? पहले भारतीय माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी जी। कौन दोस्तों? अर्जुन वाजपेयी जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हाईलाइट उसको बार बार कर रहा हूं, तभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किससे हाल ही में 64 साल बाद, कितने साल बाद दोस्तों? 64 ईयर बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सिस पुरस्कार दोस्तों मिला हुआ है दलाई लामा को। किसको दोस्तों? दलाई लामा को दोस्तों हाल ही में 64 साल के बाद दोस्तों व्यक्तिगत रूप में रेमन मैक्सिस दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? दलाई लामा को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 64 साल बाद दिया गया है, कौन सा? रेमन मैक्सिस पुरस्कार, ठीक है, दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्मोक एंड एसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने। किस दोस्तों? अमिताभ घोष ने दोस्तों स्मोक एंड एसिस नामक पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया हुआ है। किसने? अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कहां पे दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली, कौन सी दोस्तों? देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, तो जापान ने। किसने दोस्तों? जापान देश के द्वारा दोस्तों हाल ही में पहली
कौन दोस्तों? पहली बार देश के द्वारा गर्भपात गोली का दोस्तों मंजूरी मिली हुई है। किसके द्वारा? जापान देश के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जापान देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? महिला बचत पत्र सम्मान योजना कौन सी दोस्तों? महिला बचत पत्र सम्मान योजना किसने शुरू की है? तो स्मृति ईरानी ने। खास में दोस्तों, महिला बचत पत्र सम्मान योजना दोस्तों हाल ही में भारत में स्मृति ईरानी के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, महिला बचत पत्र सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कौन सा दोस्तों? नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी को दोस्तों नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दोस्तों दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग हमारी कुछ सीरीज चल रही है, जैसे कि टू द पॉइंट प्रोग्राम सीरीज चल रही है दोस्तों, ये यूपीएससी के तर्ज पर है दोस्तों पूरा, और पीटी प्लस मेंस, इसमें हम दोनों कवर करते हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं। एक दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है इन न्यूज़ प्रोग्राम माध्यम से, इन न्यूज़ प्रोग्राम के माध्यम चल रही है, इसमें भी दोस्तों हम पीटी प्लस मेंस दोनों को हम कवर करते हैं। साथ में ये दोस्तों पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तीनों स्टेट की दोस्तों हम इन न्यूज़ प्रोग्राम के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स बताते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के हमारे चैनल पे इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ आप फिर से मुलाकात करते हैं नई ऊर्जा के साथ। वीडियो बने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।